उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड 19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदाय सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, समर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वाराणसी में सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने किए काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा धार्मिक स्थलों का उत्थान। औली में होने वाले विंटर गेम्स की तारीख हुई घोषित। आगामी 7 से 9 फरवरी तक होंगे गेम्स आयोजित। जूनियर और सीनियर एल्पाइन प्रतियोगिता भी होंगी आयोजित। और 2022 की बिसात में देखिए सहसपुर विधानसभा का सियासी विश्लेषण। अब तक के चुनावों में किसने किसको दी मात, किसकी हुई जीत, आगामी विधानसभा में क्या रहेगा रिजल्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में स्थापित की गई लोकमाता पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को भी उन्होंने नमन किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों का उत्थान हुआ है। आज भव्य काशी बन गया है, अयोध्या धाम बनने जा रहा है और केदारपुरी में भी भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। औली में होने वाले विंटर गेम्स की तारीख घोषित हो चुकी है। गेम्स 7 से 9 फरवरी तक चमोली जिले में औली में आयोजित होंगे। स्कीइंग और स्नोबोर्ड के चमोली जिला सचिव ने बताया कि गेम्स को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों के पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। वही विंटर गेम्स में जूनियर और सीनियर एल्पाइन प्रतियोगिता आयोजित होंगी। वर्तमान में औली में कुछ जगहों पर ही बर्फ जमी हुई है, जबकि औली स्लोप में भी बर्फ कम मात्रा में है, लेकिन जनवरी में अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभिनेता और सांसद रवि किशन की देहरादून में फिल्म बूंदी और रायता की फिल्म शूटिंग चल रही है। अभिनेता रवि किशन ने कहा कि आने वाले समय में गढ़वाली और कुमाऊनी में भी फिल्म बनाएंगे, साथ ही उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्रीज के विकास के लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार में भी वो अपना सहयोग देंगे। मैं यहाँ की रीजनल भाषा में काम करना चाहूँगा, कुमावी और गढ़वाली, तो हम दोनों में करना चाहेंगे। हम कुमावी में भी करना चाहेंगे, हम गढ़वाली में भी करना चाहेंगे। मैं पूरा ध्यान मेरा चुनाव में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बना के पूज्य महाराज जी योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना के और धामी जी को यहाँ, फिर धामी जी के लिए भी यहाँ प्रचार करने मैं आऊँगा। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको यहाँ में भी आना है, तो मैं यहाँ पर भी आऊँगा, देवभूमि में भी प्रचार करूँगा अपने पुष्कर धामी जी का। क्योंकि ऐसे युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने आते ही उम्मीद जगा दी सब में, युवाओं में सब में क्रेज़ हो गया, इनको इनके लिए भी मैं प्रचार करने यहाँ भी आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। 2022 की बिसात में आज हम
सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की बात करेंगे। आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि अब तक के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का इस सीट पर कैसा रिकॉर्ड रहा और किसने किसको मात दी। देखें हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधुराम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधुराम को हराया। अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी इसके लिए इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में जनाधार जुटाने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडे अपना रहे हैं, फिर वो चाहे घर घर ही जाकर क्यों ना जनता का समर्थन जुटाने के लिए हो। इसके लिए बाकायदा सियासी दलों ने पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बैनर पोस्टर के सहारे उत्तराखंड में राजनीतिक दल मुद्दों को उठाकर वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूबे में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर अपने शवा पर है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की जनता अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुकी है और 5वें विधानसभा चुनाव की दहलीज पर उत्तराखंड राज्य खड़ा है। 1 या 2 महीने के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लिहाजा 2022 की बिसात में जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। इसके साथ अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर है। सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं की रैली और जनसभा के लिए राजनीतिक दल पोस्टर पॉलिटिक्स पर खुलकर खर्चा कर रहे हैं। राज्य के चुनावी इतिहास को उठाकर देखा जाए तो हमेशा ही मुकाबला राष्ट्रीय दलों के बीच ही देखा गया है। हालांकि तीसरे विकल्प के तौर पर बसपा, सपा, यूकेडी समेत कई दल चुनावी मैदान में उतरते तो आए हैं, लेकिन सत्ता बनाने का मौका अभी तक बीजेपी कांग्रेस को ही मिला है। मगर 2022 की बिसात में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। सियासी जमीन की तलाश में पहली बार आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे चुकी है। अब सियासी दलों के सामने चुनावी लड़ाई को जीतना किसी जंग से कम नहीं रहा। इस जंग में राजनीतिक दलों को पोस्टर पॉलिटिक्स का खूब साथ मिल रहा है। सियासी दलों के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर पर सियासी दल अपने वादे और उपलब्धियों को चस्पा कर शहर भर में इसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों तक उनके वादे और दावों की छाप छोड़ी जाए। राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा शहर भर में बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है।
बीजेपी के इन पोस्टर्स में धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में और योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए शहर भर को बीजेपी ने पोस्टर से पाट दिया था। ऐसा हाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स के पोस्टर उनके आने पर शहर भर में चस्पा करा दिए गए थे ताकि पार्टी वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। हाल कांग्रेस के भी जुदा नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर ही ना सही लेकिन संकल्प पत्र पर सरकार की नाकामियों का बखान कर हर गांव अभियान के तहत जनता के बीच जाने की कोशिशें खूब हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सियासी दलों के फेंके गए इस पैतरे के फेर में जनता फंसेगी या राजनीतिक दलों को ये सियासी सौदा महंगा पड़ेगा, ये देखना बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 के बिसात में चकराता विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती आई है, या यूं कहिए कि चकराता कांग्रेस के सियासी गढ़ के नाम से ही मशहूर है। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण रहे और आगामी 2022 के बिसात के लिए क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। साल 2002 में पहली बार चकराता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह विधायक चुने गए, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 2002 में कांग्रेस से चुनाव लड़े प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड जनवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान को हराया। इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव 2007 की। इस बार भी चकराता सीट से कांग्रेस से दोबारा प्रीतम सिंह चुनाव मैदान में कूदे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मधु चौहान को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चकराता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए जीत का परचम लहराया और उत्तराखंड जनवादी पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सिंह को हार का स्वाद चखना पड़ा। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को 33,187 वोट मिले थे जबकि मुन्ना सिंह चौहान को 26,533 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भाजपा पार्टी के उम्मीदवार कमला चौहान रही जिन्हें 1,943 वोट मिले। जबकि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 51.16% रहा, उत्तराखंड जनवादी पार्टी का वोट शेयर 40.9% और भाजपा का वोट शेयर 3% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस तरह से रहे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और तब तक पाला बदल चुके मुन्ना सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े उनको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। वोट शेयर की बात की जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 48.91 रहा, भाजपा को 46.75% और बसपा का वोट शेयर 3.32% रहा। बात 2022 के बिसात की करें तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से चार बार इस सीट से विधायक चुने गए प्रीतम सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। हालांकि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा इस पर से अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत सपा और बसपा भी चुनावी मैदान में इस सीट पर उम्मीदवारों को उतारेंगी। ऐसे में कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब तक इस सीट के इतिहास पर कांग्रेस ही फतह करती आई है, लेकिन क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा या एक और इतिहास कांग्रेस अपने नाम करेगी, ये भी देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। 16 दिसंबर को राहुल गांधी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर तैयारियों में इन दिनों कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। कोशिश यही है कि हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ उमड़ी थी उससे ज्यादा जनता की आमद जुटाने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे चुनावी मौसम में सियासत के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देहरादून में जुटी भीड़ का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। 16 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सब कुछ ठीक वैसा ही रहेगा जैसे बीजेपी की रैली में देखने को मिला, बस फर्क इतना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह उस दिन मैदान में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं।
राहुल गांधी की चुनावी जनसभा में उत्तराखंड के लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे। तो रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों टिकट दावेदारों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य सौंप दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट को सभी व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो पारंपरिक वेशभूषा में ही अपनी टीम साथ लाएं। इस पर गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने अपनी सहमति जताई है। राहुल गांधी की उत्तराखंड में चुनावी रैली और जनसभा दोनों को सफल बनाने के कांग्रेस दावे तो खूब कर रही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहीं टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इन सब के बीच खास ये भी रहने वाला है कि उत्तराखंड आ रहे राहुल गांधी प्रदेश की आवाम के लिए क्या कुछ खास अपने संबोधन में रखेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रैली की छोड़ी छाप को लोगों के जहन से हटाने में कामयाब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इसके साथ ही राहुल गांधी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी अब पूरी मजबूती से जुटी हुई है। हल्द्वानी में कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदेश ने बताया कि 16 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर से इस रैली में 30 से 35 हजार कार्यकर्ता पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस विशाल जनसभा में पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। नहीं देखिए, विजय सम्मान समारोह के साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी को भी श्रद्धांजलि उस कार्यक्रम में अर्पित करी जाएगी, और जो प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे माननीय हमारे आदर्श राहुल गांधी जी अपना जो भाषण है, अपने जो वाक्य हैं उससे अपनी आवाज़ को और प्रदेश की और देश की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और प्रत्याशित इसमें मैं इस बारी उत्साह देख रहा हूँ। हमने बहुत रैलियाँ करी हैं, लेकिन ये जो रैली की भव्यता है इस बार ये प्रत्याशित है। ये हमारे दो जिलों से जो मेरा अनुमान है 30 से 35 हजार लोग जाएंगे, जो कि आज तक कभी देहरादून के परेड ग्राउंड रैली में इतने लोग इन दो जिलों से नहीं गए। हल्द्वानी विधानसभा सीट से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश महासचिव खजान पांडे ने टिकट के लिए दावेदारी की है। खजान पांडे ने कहा कि इंदिरा हृदेश के निधन के बाद हल्द्वानी में नए प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद का सभासद रहने के साथ ही वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार में जनहित के कार्यों को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो मजबूती से विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करेंगे। देखिए, मैं आज अपनी वरिष्ठता के उसमें शायद सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार के रूप में पार्टी के सामने आऊँगा। 40-42 साल से मैंने पार्टी के लिए काम किया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का एक सिपाही के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू किया था। स्वराज आश्रम जब पुराने अवस्था में था तब से हमारा वो कार्यक्षेत्र रहा है, और आज जबकि इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है, इंदिरा हृदेश जी, तो एक वैक्यूम है। और मैं वरिष्ठतम कार्यकर्ता होने की वजह से अपने यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा हूँ। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में स्मार्ट पुलिसिंग की थीम पर 2 दिवसीय पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु और उत्तराखंड पुलिस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि देश और प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए भारत के बेस्ट IIT के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसमें IIT के बेस्ट छात्रों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए साइबर अपराधियों से निपटने का प्रयास किया जाएगा। आजकल ट्रेडिशनल क्राइम की बजाय साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसके लिए एक स्पेशल और विशेष प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला ये क्राइम है। तो एक ये निर्णय लिया गया कि हमारे पुलिस विभाग इसमें बिल्कुल आधुनिक रहे, इसलिए एक जो इंडिया का बेस्ट IIT है, जिसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट साइबर सिक्योरिटी में सबसे अच्छा है, उसके साथ एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। देखिए, पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने इसलिए किया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग का, उसी के इनोग्रल सेशन के लिए हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में। उनके सामने हमने पुलिस क्या कर रही है, क्या उसका विजन है और कैसे हम उसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, ये सब के बारे में प्रेजेंटेशन किया। अपने कुछ इश्यूज़ भी हमने उनके सामने
वहीं खटीमा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता के लिए तीसरा विकल्प बताया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां प्रदेश में विफल साबित हुई है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में एक वैचारिक सरकार बनाने के उद्देश्य से लगी हुई है और कहीं ना कहीं आज जनता उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख भी रही है और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इन लोगों ने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों सरकारों ने इस उत्तराखंड को केवल मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बनाई। वहीं रुड़की के मंगलोर में ड्रग्स विभाग की टीम ने एक दुकान पर छापेमारी कर लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। इसके साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से दो लोग भागने में कामयाब रहे। ड्रग्स विभाग की छापेमारी के दौरान मंगलोर में दवाइयां कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। यहाँ पे हरिद्वार जनपद में और रुड़की क्षेत्र में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बच्चों में जो है नशीले जो दवाइयां हैं, नारकोटिक दवाइयां हैं, उनको नशे के लिए प्रयोग करने के लिए लोग दुरुपयोग किया जा रहा है और बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। तो उसी में हमने जो है उच्च अधिकारियों को जो है इस बात से अवगत कराया और तत्पश्चात जो है आदरणीय आयुक्त महोदय FDA उत्तराखंड के द्वारा हमें जो है अनुमति प्राप्त हुई। अभी तीन लोग मौके पर हमको मिले थे जिनमें से दो फरार हो गए हैं, एक अभी हमारे हिरासत में है। अभी जो फरार हुए हैं उनकी भी हम अभी खोजबीन कर रहे हैं। दिनेशपुर में सरकारी अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों सहित ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा काटा और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को समझाया और मामले की शांत कराते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। हमारे दामाद ने उनके पैर पकड़ा कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताइए, हम प्राइवेट में ले जाएंगे। उन्होंने क्या बोला, अभी तो डेढ़ घंटा चाहिए। लेडीज ने बोला डेढ़ घंटा चाहिए ये तामझाम इकट्ठे करने के लिए, हम तो आधे घंटे में ही डिलीवरी करवा देंगे। जब तुम आधे घंटे में सही से डिलीवरी करवाए तो बच्चा कैसे चला गया? जो बच्चा माँ के पैर से सही सलामत निकल गया वो बच्चा दोबारा कैसे खत्म हो सकता है ये बताइए आप हमको। इन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया है ना, कोई सुविधा नहीं है। हम ये चाहते जो हमने खोया है दूसरा कोई माँ अपने औलाद को ना खोए। हमें ये सूचना मिली है कि एक नवजात शिशु मतलब मृत पाया गया है जिसके परिजनों द्वारा यहाँ पर हंगामा काटा जा रहा था हॉस्पिटल में, तो इस सूचना पर हम आ गए इधर हॉस्पिटल में आए हैं, जांच चल रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वाराणसी में CM धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने किए काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा धार्मिक स्थलों का उत्थान। औली में होने वाले विंटर गेम्स की तारीख हुई घोषित, आगामी 7 से 9 फरवरी तक होंगे गेम्स आयोजित। जूनियर और सीनियर एल्पाइन प्रतियोगिता भी होंगी आयोजित। और 2022 की बिसात में देखिए सहसपुर विधानसभा का सियासी विश्लेषण, अब तक के चुनावों में किसने किसको दी मात, किसी हुई जीत, आगामी विधानसभा में क्या रहेगा रिजल्ट। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का, 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है, विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है।
लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।